இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका सबसे पहला एनपी का इलस्ट्रेशन यहाँ से शुरू हो रहा है मैं देखो पूरे का पूरा चैप्टर तो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा दो ले, दो लेक्चर्स और मैं अपलोड करूंगा आपके लिए जिसके अंदर ये इंक्लूड है और ज्यादा से एक या दो समय ट्राई करूंगा अपलोड करने के लिए अब तक देखो हमने काफी डेमो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं बहुत सारे लोगों ने हमसे क्लासेज ज्वाइन भी कर ली है आगे देखो वीडियोस कैसे मिलेंगे मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए और ये इन्फॉर्मेटिव होगा और जिनको पता है ऑलरेडी उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी ठीक है तो अब देखो जो हम क्या करने वाले हैं और कैसे हमारा एक्शन प्लान रहने वाला है इस एकेडमिक ईयर में पढ़ाई करने के लिए तो अब देखो हमने सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट काम क्या करना है लेक्चर तो परचेज़ आप करो वो आप डिसाइड आपके ऊपर है उसके पहले जब भी आप लेक्चर परचेस करो उससे पहले जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हमने अपलोड किए वो आपको कम्प्लीट करने देखने हैं और नोट्स बनाने हैं हमने एक चीज़ ध्यान रखो जैसे ही क्लास होती है वो आपके घर तक हमने ला दी है यहाँ पे हमने इतना काम कर दिया आगे का काम जो पढ़ना है वो आप ही को ही करना है और आप ही कर सकते हैं और ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है ये चीज़ ज़रा ध्यान से सोचिए और समझिए ये सब चीज़ों को ठीक है क्योंकि ऑलरेडी अभी सितंबर ऑलरेडी बोलते हैं ना स्टार्ट होके एक बोलते हैं ना एक अच्छे तारीख भी आ चुकी है ऑलरेडी थर्टी परसेंट सेप्टेम्बर कंप्लीट हो चुका है तो ये सितंबर मंथ भी चला जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स कब होगी क्या होंगी इसका अभी तक कोई भी हमारे पास जानकारी नहीं है कब एक्चुअल कॉलेजेस चालू होंगे आप एक चीज़ समझ के चलो देखो एग्जाम जो फेस करना है वो किसको फेस करना है मुझे नहीं करना है ठीक है मैं आपके द्वारा फेस करूंगा ठीक है आप जाओगे मेरे ब्याक में मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आप जाने वाला एग्जाम में मैं फेस नहीं करने वाला हूँ ना कि आपके पेरेंट्स फेस करने वाले हैं वो आपको ही फेस करना है आप वो दिन इमेजिन करो आप और आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आप बैठे हो ठीक है तो उसके लिए तैयारी आपको ही करनी है आपको अब तक बोलते हैं ना दिमाग में बैठा लेना है कि आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है और कैसे करनी है ताकि आपका काम हो जाए तो हमने अब तक तो क्या क्या लेक्चर्स अपलोड किए हमने मैथ्स वन मैथ्स टू दोनों के फर्स्ट चैप्टर का जो इनिशियल लेक्चर्स है वो अपलोड किए हुए हैं बहुत जल्द उनमें तेजी और आ जाएगी लेक्चर्स में उसके बाद अकाउंट्स जो हमने सबसे पहले हमने शुरुआत की थी तो उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर पूरा अपलोड किया हुआ है सेकेंड चैप्टर जो चल रहा है आप देख रहे हो इतनी सारी थियरी लेक्चर्स बारह लेक्चर तो थियरी थे उसके बाद जो थर्टीन लेक्चर से चालू हुआ है वो इलेस्ट्रेशियस चालू हो चुका है साथ ही साथ मैंने थर्ड चैप्टर की शुरुआत भी कर दी है और जिन लोगों ने परचेज़ किए हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म लैपटॉप पे उनको हमने थर्ड चैप्टर दे भी दिया है तो अभी हमारा फोर्थ चैप्टर का रिकॉर्डिंग चल रहा है तो फोर्थ और फिफ्थ तो हम लोग अभी फिफ्टी परसेंट अकाउंट्स का पोर्शन कंप्लीट करने पर जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो वो भी स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवा दी जाएगी तो अभी फिलहाल आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग में ही फीस वगैरह फ्लैश करवा दी है हमारे नंबर्स भी फ्लैश कर दिए हैं प्लस नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पे गूगल ड्राइव की सॉरी वहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक है वो भी आप भर सकते हो आप वो भर दोगे तो हम आपको कॉल कर लेंगे सामने से या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह सब फ्लैश है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या तो फिर आप हमें क्या कर दीजिए व्हाट्सएप कर दीजिए हम आपको रिप्लाई कर देंगे तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं देखो अगर कोई इश्यूज है फीस पेमेंट करने में तो हम आपको उसके अंदर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं तो आप हमसे एक बार बात करोगे तो हमें पता चलेगा ना क्या इश्यूज़ है क्या नहीं है करके तो हम एक एक सब्जेक्ट से भी आप शुरुआत करो देखो रिकॉर्डेड लेक्चर से तो तकलीफ होगी नहीं आप पहले अकाउंट्स से चालू कर दो फिर आप क्या करो एक एक सब्जेक्ट आप लेते रहो हम आपको सेम डिस्काउंटेड फीस ही रहने लेने वाले ये भी हमने बात कर ली है और बुक्स भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी अकाउंट्स की बुक बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी जो हमने बनाई है आपके लिए तो वो आपको यूट्यूब के द्वारा इंस्टाग्राम के द्वारा हम बता देंगे आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं और एक हम आगे जो बच्चे लोगों ने हमारे पास ज्वाइन नहीं भी किया है और जो बच्चों ने ज्वाइन किया सबके लिए हम कॉमन बहुत सारी नई नई चीज़ें यूट्यूब पे लाने वाले हैं जब एक बार एग्ज़ाम के डेट्स आ जाएंगे तब हम एक फास्ट ट्रैक कोर्स भी लॉन्च करेंगे बच्चों के लिए ठीक है तो उसकी फीस बहुत नॉमिनल होगी उसके साथ साथ हम रिविजन सेशनस भी हम चालू करेंगे एंड में तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर बहुत सारी चीज़ें रहेंगी इन सब की जानकारी आपको मिलती रहेगी और एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उसके लिए मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बना के भी अपलोड करूंगा लेकिन आपको मैं बता दूं आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जो टेलीग्राम जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और हमें वहां पे भी फॉलो कीजिए हम वहां पे आपके लिए असाइनमेंट चालू करने वाले हैं जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो हो चुका है ना तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको हम देंगे और उसके अगले दिन उसका क्या मिलेगा सोल्यूशंस मिलेगा तो ये सब चीज़ें हम चालू कर रहे हैं आपके लिए असाइनमेंट ताकि आप क्या करो वहाँ पे हमको भी एक आसानी होगी आपको एक, एक देने के लिए जैसे हम आप बोलते थे होमवर्क क्या होता है तो वो वाली काम भी हम शुरुआत कर देंगे बहुत जल्द तो आप प्लीज़ वीडियो देखिए और आपने डिसाइड नहीं किया तो डिसाइड कर लीजिए जल्दी से और हमें नंबर्स पर कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए हम हाजिर हैं आपके लिए सेवा में और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताइए जितना हो सके आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हम आपको पूरा एग्जाम के लास्ट डे तक हम आपको सपोर्ट करने वाले आप बिल्कुल भी चिंता मत कर कीजिए बस जितना हो सके आप प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करते रहिए और प्लीज़ वीडियो देखिए कुछ भी डाउट हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन स्टेशन नंबर ठीक है चलो आगे बढ़ते अभी दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव अब इसके अंदर क्या करना है हमको अब तक हमारे जो बेसिक एडजस्टमेंट समझने थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं नाउ वी वी विल स्टार्ट अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल एग्जाम्पल देखो एग्जाम में तो ऐसा लिख के आएगा नहीं सिंपल एग्जाम्पल ठीक है कि नहीं है चलो स्टार्ट करते हैं अब क्या क्या पूछा है यहाँ पे जरा देखते हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक है क्या है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली से वही बनाना है तो बैलेंस शीट के जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो हम यहाँ पे करने वाले नहीं है एग्जाम में तो ऐसे सम आने वाला नहीं जस्ट आप बेसिक सीख रहे हो तो पहले हम वैसे सॉल्व करते हैं और एक चीज़ ध्यान रखना ये वाला जो सम है एग्जाम में तो आने वाला है नहीं इतना तो पक्का है और इसके अंदर जैसे आप पी करते थे प्री के फाइनल अकाउंट्स के अंदर वैसे ही आपका क्या बनता है यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए हमारे पास क्या चाहिए क्वेश्चन चाहिए ऐसा लग रहा है मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ बराबर है ये चीज बनानी है पकोड़े बनाना है उसके पहले हमको क्या सामग्री चाहिए तो पहले क्या चाहिए हमको यहाँ पे हमको चाहिए यहाँ पे दैट इस एक दिया हुआ होगा क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन दिया होगा इस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उससे हम क्या बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक है तो हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा रिसीट एंड पेमेंट मतलब जो भी इनकम रिसीव होगी किसको जो भी ऑर्गेनाइजेशन का आप अकाउंट्स बना रहे हो वो सब रिसीट साइड में डाल देते हैं जो भी खर्चा होता है सब कुछ पेमेंट साइड में डाल देते हैं हम क्या करेंगे हमारा काम क्या एक्सपेंस को वहाँ से उठाना और उसको डालना एक्सपेंडिचर ट्रीट करना और क्या ट्रीट करना उसको इनकम ट्रीट करना ठीक है उसके बाद और जो भी एडजस्टमेंट है सॉरी एडजस्टमेंट तो बाद में आएंगे उसके अलावा कुछ अगर फिक्स्ड एसेट वगैरह परचेस किए हैं या कुछ लाइब

कैश इन हैंड दस हजार है बैंक में बैलेंस है उन्नीस हजार बीस उन्नीस हजार दो सौ रुपए टोटल है ट्वेंटी नाइन टू हंड्रेड तो ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर क्या है ओपनिंग बैलेंस है किसका कैश और बैंक में पैसे जमा है अब टू सब्सक्रिप्शन के रूप में पैसे आए हुए हैं तीन बार बाइफर्गेशन दिया हुआ है अठारह उन्नीस उन्नीस बीस बीस ग्यारह तो इससे क्या पता चलता है कि उन्नीस बीस करंट ईयर है उन्नीस बीस करंट ईयर है ये प्रीवियस ईयर है ये कौन सा ईयर है नेक्स्ट ईयर है क्लियर है कि नहीं ये भी आप मत लिखो ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको सब कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर होती रहेगी धीरे धीरे अब डोनेशन दिया हुआ ये इसके अंदर थियरी में हमने कवर किया था डोनेशन जनरल बोला गया ठीक है स्पेसिफिक बोला रहता तो अब हम क्या करना है हमको पता है तो जनरल बोला तो नॉर्मल उसको इनकम ट्रीट करो कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है अब उसके बाद क्या है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फिर क्या है टू पिकनिक रिसीट्स ठीक है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है पेमेंट पेमेंट क्या क्या हुआ है रेंट अठारह उन्नीस का कुछ सात सौ रुपया पे किया हुआ है और उन्नीस बीस जो करंट ईयर चल रहा है उसका फिफ्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड अभी सात सौ रुपया जो दिया हुआ है ये क्या है अठारह उन्नीस का मतलब पिछले साल का कुछ बकाया था पैसा देना बाकी था उसको पे किया गया तो करंट ईयर के खर्चे में उसको इंक्लूड करना नहीं है ठीक है कि नहीं है नेक्स्ट बाय फिक्स डिपॉजिट बाय सेंड्री एक्सपेंस बाय इंश्योरेंस बाय प्रिंटिंग स्टेशनरी पिकनिक एक्सपेंस सैलरी ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू एडवर्टीजमेंट ब्रैकेट में अठारह अच्छा उन्नीस लिखा गया है ये भी रेंट के जैसे ही आपको ट्रीट करना है करंट ईयर का खर्चा नहीं है ठीक है करंट ईयर के अंदर इसका नामो निशान दिखना नहीं चाहिए नेक्स्ट और उसका क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा पर यहाँ पर सोल्यूशन में आएगा नहीं पार्ट क्यों नहीं बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम करेंगे तब और बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड कैश एट बैंक अब देखते हैं एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वॉज रुपी सेवन थाउजेंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है भाई सात हजार रुपया तो रेंट के इधर जाके उन्नीस बीस के एक छोटा सा डॉट कर दो ठीक है ये आप माहिर हो यहां पे डॉट करने के लिए ठीक है उसके बाद क्या है हमारे पास 19-20 का डॉट कर दिया फिर 60% फीस बी कैपिटलाइज जितना भी फीस रिसीव होगा उसका 60% आपको क्या करना है कैपिटलाइज़ कर देना है मतलब आपको उसको इनकम मानना नहीं है तो आप उसको क्या करोगे कहाँ पे है आपका पेमेंट साइड तो मिलेगा नहीं रिसीट साइड मिलेगा एंट्रेंस फीस ठीक है नेक्स्ट है? है आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द कर ट्वेंटी तो सब्सक्रिप्शन के इधर तो एक डॉट हमेशा एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के होने ही होने है, ठीक है कि नहीं है चलो प्रीपेड इंश्योरेंस इज वॉट थाउजेंड रुपीज प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस पेमेंट साइड ढूंढो जरा ये रहा तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया डॉट कर दिया ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पहला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वॉज रुपीज सेवन थाउजेंड तो रेंट क्या है पेमेंट है तो पेमेंट साइड देखो रेंट दिखा हुआ है अठारह उन्नीस पहला आइटम मिला अठारह उन्नीस का वॉट डू मीन बाय दिस इसका मतलब है सात सौ रुपए आपके पिछले बकाया थे वो आपने अब इसको क्या किया हुआ है पेमेंट किया हुआ है तो इसका कुछ भी करने का जरूरत नहीं है अगर बैलेंस शीट दिया होता यहां पे ओल्ड बैलेंस शीट हमको दी होती है एडजस्टमेंट में किधर लिखा होता ऐसी इंफॉर्मेशन होती अठारह उन्नीस का पेमेंट करना बाकी था हजार रुपया आपने कितना पेमेंट किया है सेवन हंड्रेड क्लियर है कि नहीं है या तो सेवन हंड्रेड ही होता तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है ठीक है सेवन हंड्रेड देना बाकी था लाइब्रेटी साइड था वहां से लेस कर दोगे और कैश में से आप पे कर दोगे क्लियर है तो वो फिटस हो गया पूरा का पूरा गायब हो गया लेकिन हजार रुपया देना बाकी होता तो आप बाय आउटस्टैंडिंग आप रेंट लिखते लाइब्रेटी साइड कितना थ्री हंड्रेड रुपीज और देना बाकी है तो लाइबिलिटी साइड अठारह उन्नीस का आप क्या सॉरी अठारह उन्नीस का ही आप पेमेंट दिखाते बैलेंस दैट इज वॉट थ्री हंड्रेड रुपीज अगर हजार रुपया होता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है तो यही हम इंटरप्रिटेशन करेंगे सात सौ रुपया देना था सात सौ रुपया इस बार दे दिया है तो कोई टेंशन नहीं है उन्नीस बीस में कुछ एक्सपेंस है रेंट का दैट इज फिफ्टी फोर थ्री हंड्रेड पे किया गया है तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड पहुंचोगे आप इस तरीके से आपको बनाना है सेम पी एन एल जो बनाया था वही रूलिंग है पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स नहीं लिखोगे डेबिट साइड इज योर एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या है आपके पास क्रेडिट साइड जो है वो क्या बोलोगे उसको इनकम और बाकी इन द बुक्स ऑफ वीना कल्चरल एसोसिएशन सतारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी इस तरीके से आपको लिखना है अब सबसे पहले क्या एक्सपेंस दोगे आप रेंट का दैट इज टू रेंट ठीक है कितना है रेंट बताओ जरा फिफ्टी फोर थ्री हंड्रेड एड आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कितना था सात हजार था हमने देखा था तो सात हजार रुपया यहां पर लिखोगे फिफ्टी फोर प्लस सेवन कर दोगे तो कितना मिल जाएगा सिक्स करोगे तो सिक्सटी सिक्सटी वन थ्री हंड्रेड हो जाएगा तो सिक्सटी वन थ्री हंड्रेड इज योर करंट ईयर एक्सपेंडिचर सात हजार आप लाइबिलिटी में दिखाते हैं। जैसे आप एडजस्टमेंट में करते थे ना फाइनल सेम वही है कुछ चेंजेस नहीं है लेकिन पे बैलेंस शीट बनाना है क्या नहीं बनाना है तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो सिर्फ एक इफेक्ट यहाँ पे पास हो जाएगा नेक्स्ट सिक्सटी एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज सिक्सटी का जो एंट्रेंस फीस मिला है उसमें से हंड्रेड में से सिक्सटी आपको हटा देना है तो एंट्रेंस फीस आपकी इनकम है तो आप यहां पे पहुंच के लिखोगे बाय कितना अमाउंट है पंद्रह हजार लेस सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट कैपिटलाइजेशन पंद्रह हजार का सिक्सटी परसेंट निकालोगे तो कितना बचेगा नाइन थाउजेंड तो करंट ईयर आपको यूज करने के लिए कितना पैसा मिलेगा ओनली सिक्स थाउजेंड रुपीज क्योंकि नाइन थाउजेंड रुपीज आपको बोला गया है इसको आपको क्या करना है कैपिटलाइज करना है मतलब ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आपको लिखना है ये पैसा आपको बचा के रखना है ऑर्गेनाइजेशन में आगे फ्यूचर यूज के लिए जो भी आ, जो भी एसोसिएशन डिसाइड करेगा उसके हिसाब से वो खर्चा किया जाएगा करंट ईयर के खर्चे के लिए ये पैसा अवेलेबल नहीं है इसके लिए 60 परसेंट यहाँ से हटा दिया आप ऐसे भी लेस कैपिटलाइजेशन ब्रैकेट में 60 परसेंट लिख दो एक ही बात है कुछ डिफरेंस नहीं है तो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे भी नहीं आएगा तो हम भी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देते हैं पर यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है तो एक एक इफेक्ट से ही काम चलाना पड़ेगा मैं वापस से एक बार बोल दू एग्जाम में ऐसा सम आएगा नहीं नामुमकिन है आएगा तो फुल फ्लैच सम आएगा ठीक है कि नहीं है ठीक है हमने कंप्लीट किया कौन सा वाला एडजस्टमेंट किया जस्ट अभी एंट्रेंस फीस हो गया दो एडजस्टमेंट हमारे हो गए बराबर है एक तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट वाला हो गया कंप्लीट फिर 60 परसेंट एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज ये भी कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज हाउ मच ट्वेंटी थाउजेंड मतलब करंट ईयर का बीस हजार रुपया आया नहीं है तो चलो स्टार्ट करते हैं अब सब्सक्रिप्शन देखो अठारह उन्नीस का इंफॉर्मेशन अठारह उन्नीस के साथ कंपेयर करो अब अठारह उन्नीस का पैसा आया कितना पंद्रह हजार कुछ बैलेंस शीट का कुछ भी हमारे पास डेटा नहीं है तो पंद्रह हजार समझो जो रेंट पे हमने समझा था सात सौ रुपया देना बाकी था सात सौ रुपया दे दिया तो अठारह उन्नीस का सब्सक्रिप्शन हमको आना चाहिए था बाकी था आ गया अठारह उन्नीस का अभी फिट टू तो साइड में रख दो ठीक है उन्नीस बीस का हम करंट बात करते कितना लेते एक लाख रुपया आ गया तो एक लाख रुपया आप जाके कहा लिखोगे एंट्रेंस फीस के नीचे लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिख दोगे पूरा का पूरा एक लाख रुपया अब उसके बाद आपको नीचे दिया था एडजस्टमेंट में भाई बीस हजार रुपया आना बाकी है आना बाकी है ना इस साल का है ना तो इस साल में तो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा एक लाख आ चुका है बीस हजार आना चाहिए था आया है क्या नहीं आया तो हिसाब में तो डाल लो भाई पैसा क्यों छोड़ रहे हो तो क्या करोगे Add, current year आउटस्टैंडिंग कितना लिखोगे भाई बीस हजार रुपया और भार कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी और ये बीस हजार रुपया कहां जाएगा आपका एसेट साइड में जाएगा पर एसेट बैलेंस शीट तो बना नहीं रहा है तो उसको डालो साइड में जब आएगा तब हम करेंगे उसके बाद और एक चीज उसके बाद बीस इक्कीस का भी दिया हुआ आठ हजार आया करंट ईयर में ठीक है अभी तक उसका हिसाब किसी ने दिया नहीं है देना नहीं चाहिए एडवांस में आया तो ये 8000 हज़ार लाइब्रेटी साइड चला जाएगा कहां पे बैलेंस शीट पर वो भी हम बना नहीं रहे तो सिर्फ 19 बीस का इंफॉर्मेशन से ही यहां पे हमको लेना देना था वो हमने लिख लिया नेक्स्ट इज टू डोनेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है जनरल ठीक है तो ये आप जनरल यूज के लिए यूज कर सकते हो डे टू डे खर्चे के लिए यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर स्पेसिफिक बोला होता है कि इसी पर्पस के लिए तो आप लाइब्रेटी में जाके उसको लिखना पड़ता मतलब कैपिटलाइज करना है इन शॉर्ट तो डोनेशन उधर ही नीचे लिख दो बाय डोनेशन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज ठीक है तो ये वाला काम भी हो चुका है अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है उसके बाद एंट्रेंस फीस हो गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम है ना बराबर है कि नहीं है तो ले लो इनकम साइड में क्या लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एक बार एडजस्टमेंट देख लेते कुछ बचा है क्या वो मैंने पहले ही ले लिया ठीक है चलो हम तो पहले एडजस्टमेंट कर रहे थे ना तो भाई पहला समय कोई रिस्क नहीं रह, हटा ही देता हूँ मैं बाद में वापस से लिख दूंगा दे रहन देता हूँ ठीक है ठीक है समझा नहीं क्या हुआ मैंने वो नीचे अमाउंट देख लिया था ना वो तो मैं पोस्टिंग एक मैंने कर दिया ठीक है वो आएगा तो वापस एक्सप्लेन कर दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस थाउजेंड इंश्योरेंस पे किया मतलब पहले तो इंश्योरेंस खर्चा है तो खर्चे साइड आ जाओ एक्सपेंडिचर साइड देख लो इंश्योरेंस कितना है बारह हजार तो बारह हजार आप लिखोगे कहां पे रेंट के नीचे टू इंश्योरेंस कितना लिखा ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज अब इस बारह हजार में आपने हजार रुपया एक्स्ट्रा भर दिया है ठीक है इस साल का खर्चा है क्या नहीं तो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस वन थाउजेंड रुपीज तो बाहर कितना जाएगा एलेवन थाउजेंड रुपीज ठीक है ये वाला भी काम हो गया इसके साथ सब एडजस्टमेंट है खत्म हो गए अब एक एक को लेते हैं आइटम्स उसको क्या करेंगे पोस्टिंग ओपनिंग बैलेंस का तो कुछ लेना देना नहीं है सब्सक्रिप्शन आपका हो चुका है डोनेशन आपने कर दिया था ऑलरेडी पोस्टिंग क्योंकि जनरल था ना मैंने चालू कर दिया था इसके लिए डोनेशन भी पच्चीस हज़ार लिख दिया एंट्रेंस फीस हो गया ठीक है उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वो भी ले लिया टू पिकनिक एक्सपेंस सॉरी टू पिकनिक रिसीट्स कितना ट्वेंटी थाउजेंड तो इसको जरा पोस्ट कर देते हैं अब आपके लिए मैं अलग कलर से कर देता हूं डिनोट पोस्टिंग है ना पोस्टिंग अलग कलर से करते हैं हम स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो पहला तो इसके लिए ठीक है अब ये आ गए ना वहां से आइटम उठा के डोनेशन रिसीट साइड रिसीट साइड थी इनकम है आपकी जो आपको रिसीट साइड मिला था क्या इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वो भी आपने इसको क्या मान लिया अपना इनकम मान लिया देखो ना यहां पे आपने लिखा अब उसके बाद कौन सा आइटम है उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो है रिसीट्स तो ये भी आपकी इनकम है बाय ट्वेंटी ठीक है इसी के साथ हमारे जितने भी डेबिट साइड वाले आइटम्स थे यहाँ पे दैट इज़ वॉट रिसीट वाले ये पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अब रेंट आपने एडजस्टमेंट में सॉल्व कर दिया था ठीक so, है ना उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट ये आपका फिक्स्ड एसेट में जाएगा तो यहाँ पे इसको कुछ लेना देना नहीं है बाय सन्ड्री एक्सपेंस खर्चा तो बाय खर्चा खर्चा लिखो यहाँ पे पहुँच के टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना अमाउंट था भाई आठ हज़ार रुपया तो ये भी आपने लिख लिया उसके बाद नेक्स्ट क्या है इंश्योरेंस आपका हो चुका है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या लिखोगे तो यहां पे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आपने देखा हुआ है दैट इज व्हाट सिक्स थाउजेंड रुपीज ये भी हो चुका है उसके बाद है आपके पास पिकनिक एक्सपेंस कितना है अठारह हजार तो उसके नीचे लिखोगे टू बाद में बहुत सिंपल हो जाता सिर्फ वहाँ से आपको चूज करना है एसेट में या लाइब्रेरी में जाएगा तो उसको अलग कर दो अगर उसका आपको इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा तो कहाँ पर लिखना है आपको पता है तो उसके हिसाब से आपको करना है तो टू पिकनिक एक्सपेंस अट्ठारह हज़ार रुपये फिर नेक्स्ट है उसके बाद बाय सैलरीज तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टू सैलरीज अमाउंट आपको पता है कितना है अमाउंट इज़ हाउ मच ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ ट्रैवलिंग एक्सपेंस तेरह हजार तो यहाँ पे हो जाएगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना था ट्रैवलिंग एक्सपेंस थर्टीन थाउजेंड रुपीज तो ये आपने लिख लिया अब आपके पास कुछ बत, बचता है क्या और कुछ देखते हैं जरा एडवर्टीजमेंट अठारह उन्नीस पिछले टाइम का कुछ पेमेंट बाकी था तो इसको ये अभी कुछ करने का जरूरत नहीं हम ये मानते हैं कि सात हज़ार बाकी था सात का सात हज़ार दे दिया गया है क्लियर है अगर ऐसा होता है एडवर्टीजमेंट पिछला दस हज़ार बाकी था, था सात आपने दिया है तो टेन थाउजेंड माइनस सेवन कहाँ पे करते आप बैलेंस शीट में करके तीन हज़ार और आउटस्टैंडिंग दिखा देते हैं ठीक है देना बाकी है तो यहाँ पे तो उसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी रिसिट एंड पेमेंट सॉरी एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट में कुछ भी आने वाला नहीं है नेक्स्ट कैश इन हैंड कैश एट बैंक आप बैलेंस शीट में लिखोगे डायरेक्टली तो यह भी बैलेंस किधर भी आने वाला नहीं है अब आपको सिर्फ एक काम करना है टोटल निकालना है आपको दोनों साइड का पेंसिल टोटल जब मैं पेंसिल टोटल बोलता हूं तो आपको पता है क्या करना है कोई घाई नहीं करना है आराम से पेंसिल टोटल निकालो पहला सिक्स थाउजेंड प्लस वन लैख ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है आराम से करो मेरा आंसर आ चुका है वन लैख सेवेंटी फाइव एट हंड्रेड उसके बाद डेबिट साइड प्लस कर लो ठीक है दोनों तरफ का पेंसिल टोटल हो चुका है कौन सा ज्यादा है वन लैख सेवेंटी फाइव एट हंड्रेड ज्यादा है तो प्लीज यहां पे लिख लो वन लैख सेवेंटी फाइव एट हंड्रेड वन लैख सेवेंटी फाइव एट हंड्रेड अब क्या मिला आपको आपका इनकम ज्यादा है खर्चा कम है तो इसको आप क्या बोलोगे सरप्लस तो डेबिट साइड आपके जैसे प्रॉफिट लिखते थे ना तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था अगर ट्रेडिंग में है पी एन एल में तो नेट प्रॉफिट यहां पे वो चीज नहीं होगी यहां पे आप लिखोगे टू सरप्लस ब्रैकेट में लिखोगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ये कैसे मिलेगा अमाउंट वन लैख सेवेंटी फाइव एट हंड्रेड माइनस वन लैख थर्टी सेवन थ्री हंड्रेड करो तो आपको आंसर मिलेगा थर्टी एट फाइव हंड्रेड तो इसी के साथ हमारा क्या हो चुका है पहला पहली बार आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बनाया है ठीक है आज की तारीख लिख लेना जिस दिन आप पढ़ रहे हो ये चीज़ें तो आपने आपकी ज़िंदगी में पहली बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है ठीक है उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाओगे एन के लिए ठीक है फिर प्रैक्टिकली बनाओगे वो तो अलग चीज़ हो जाएगी कंप्यूटर के अंदर भी आगे काम करना है तो आप पहले सीख रहे हो ना तो वो एक अलग ही चीज़ है चलो पहले इतना लिख लो कहाँ पर भी कुछ आपकी गलतियाँ हैं कुछ है तो आराम से चेक करो पहला सम तो साथ में ही सॉल्व करना है आपको बाद में आपको करने का भी मौका मिलेगा पर आप सीख रहे हो तब तक साथ में ही सॉल्व करते रहना ठीक है